नमस्कार, क्रांति उड़ीसा में आपका स्वागत है। कटक महानगर निगम के 21 नंबर वार्ड बीजू जनता दल प्रार्थी के तौर पर पूर्व कॉपरेटर अशोक शर्मा ने नामांकन दाखिल किया। आज 21 नंबर वार्ड स्थित गणेश मंदिर से अपने शताधिक समर्थकों के साथ एक शोभायात्रा कर श्री शर्मा ने नामांकन किया। 21 नंबर वार्ड के सभी वर्ग के व्यक्ति विशेष, बीजेडी के सभी नेतागण और अनेक महिला इस शोभायात्रा की हिस्सा थी। श्री शर्मा के सभी समर्थकों में उत्साह की लहर थी। 21 नंबर वार्ड से पहले प्रार्थी के तौर पर श्री शर्मा ने नामांकन किया है। चाहेंगे कि इस इलेक्शन में की हवा किस रूप है। जय जगन्नाथ। अशोक भाई जीतेंगे, अशोक भाई ही जीतेंगे। उनके काम से आप संतुष्ट हैं? हाँ, एकदम सेटिस्फाई। धन्यवाद। वो 21 नंबर वार्ड का सक्रिय बीजेडी का प्रार्थी है और समाज सेवी के, वो जरूर जीतेंगे। 21 नंबर वार्ड के प्रार्थी अशोक शर्मा लगभग 3000 वोट लीडिंग से जीतेंगे। अशोक जी पूरे 3000 वोट से ज़्यादा से ही जीतेंगे और 21 नंबर वार्ड में वही जीतेंगे और उनके बराबर में कोई है ही नहीं। उन्हें कोई नहीं है, उनके जैसा प्रार्थी कोई नहीं है। एक्चुअली मेन बात वो है, कर्मी है। काम का कर्मी है वो, इसलिए कह रहा हूँ मैं। उनको पैसे का लोभ नहीं है। अगले बार भी वो जीत के आए थे दूसरी पार्टी से, बहुत काम किए थे। 21 नंबर वार्ड में वो जितना काम किए हैं कोई भी काउंसलर नहीं किया है। शर्मा बहुत बढ़िया काउंसलर है। पार्टी में नहीं होके भी जब जब आधी रात में हम लोग गए काम के लिए, कोई भी काम के लिए, वो काम किए हैं। और अभी तो काम जीत के आने के बाद तो क्या काम करेंगे बोलने की दरकार नहीं, उनको खुद मालूम है क्या कराना क्या नहीं कराना है। आमर नमिनेसन फाइल होमर 21 नंबर वार्ड नमिनेसन फाइल एवं अशोक शर्मा जी कि जन उद्यमान युवक एवं तर कार्यकलाप सब बेले समाजपति रहे आशा करूँ सी निश्चिंत भाव जितबे। भाई बहुत अच्छे आदमी है और जो उनके पास जाता है सबकी हेल्प करने के लिए हर एक समय रेडी रहते हैं। इसी विश्वास के साथ कि वो जैसा कर रहे हैं वैसा ही आगे करते रहेंगे। और